दोस्तों, दिल्ली में स्कूल टीचर्स के रिक्रूटमेंट की बड़ी अच्छी वैकेंसी आई है। इसके बारे में बात करेंगे। मेल फीमेल दोनों तरह के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। तो इन पोस्टों के लिए जिनका वैकेंसी आया है, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी आई है, फिर हम ये भी देख लेंगे कि उसके लिए क्वालिफिकेशन की क्या हो सकता है और फॉर्म वगैरह कैसे भरे जाएंगे। तो सारी डिटेल्स हम एक साथ देख लेते हैं। और चूंकि एक अच्छे स्कूल की वैकेंसी है, मैं इनकरेज करूंगा जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं इस फॉर्म को ज़रूर भरें। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं और देखते हैं कि इनके फॉर्म में क्या-क्या बात कही गई है। ये देखिए, ये फॉर्म मैंने डाउनलोड किया था उनके वेबसाइट से, और मैं ये पहले आपको इसलिए दिखा दे रहा हूँ क्योंकि आपको भरना तो ऑनलाइन है, लेकिन इसमें किन-किन चीज़ों की आवश्यकता होगी ये आप ज़रूर देख लें। यहाँ आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं ये लिखें, किस तारीख को भर रहे हैं ये लिखें, यहाँ पर मैं अपना फ़ोटो चिपकाएं और स्टैपल ना करें, ये बात क्लियर कट लिखी गई है। फिर कहा गया है कि ओनली सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ डिग्री सर्टिफिकेट सेसिमोनियल शुड बी सेंट विथ दिस अप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि इस फॉर्म को ऑफलाइन भेजना है, अपनी सर्टिफिकेट्स जो भी हैं, आपकी डिग्री जो भी हैं, आपकी दूसरे डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं वो सारा, और ओरिजिनल आपको इंटरव्यू के समय में आपसे लिया जाएगा। इसका मतलब ये क्लियर हो गया यहाँ पर में कि इन पोस्ट्स के लिए आपको कोई एग्जामिनेशन रिटन में देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इंटरव्यू देने की ज़रूरत है। और एक बात ये कही गई है कि एप्लीकेंट्स कॉल्ड फॉर इंटरव्यू शैल बियर देयर ओन ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अनलेस अदरवाइज एग्रीड इन एडवांस। यदि स्कूल एग्री करती है तो वो आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंस पे करेगी। तो आप निश्चित रूप से अगर निगोशिएट करना चाहते हैं स्कूल के साथ तो पहले ज़रूर बात कर लें। और फाइनली पॉइंट नंबर 3 में ये बात कही गई है कि या तो आप पर्सनली स्कूल के ऑफिस में जमा कर सकते हैं अपना एप्लीकेशन फॉर्म, या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट से भी भेज सकते हैं। अब देखिए यहाँ क्लियर कट लिखा हुआ है, सरनेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम लिखिए, डेट ऑफ बर्थ, ईयर, मंथ और डेज में लिखिए, मेल, फीमेल, नेशनलिटी, आपका मैरिटल स्टेटस, आपका एड्रेस, ये कंप्लीट एड्रेस के लिए कॉलम दिया हुआ है वो ज़रूर भर दें, आपका नंबर ऑफ चिल्ड्रन अगर है, क्योंकि जो नामी स्कूल्स होते हैं वो कई बार अपने टीचर्स के स्टाफ के बच्चों को फ्री एजुकेशन भी देते हैं, तो इसलिए ये आप यहाँ ज़रूर मेंशन करें। अगर कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है या कोई इलनेस है तो वो यहाँ मेंशन कर दें, नहीं है तो एनए लिख दें। और क्या आपको कभी क्रिमिनल ऑफेंस के लिए कन्विक्ट किया गया है, इफ़ यस तो यहाँ डिटेल दें, इफ़ नो तो आप नो लिख सकते हैं। उसके बाद अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं अभी तो आपका अभी क्या सैलरी है वो बेसिक पे स्केल अलाउंसेस और टोटल कितना बनता है वो इस कॉलम में लिख दें। इसके बाद यहाँ आप सीनियर सेकेंडरी से स्टार्ट करके एकेडमिक क्वालिफिकेशंस लिखते जाएं, यूनिवर्सिटी कॉलेज का जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ लिख दें, एजुकेशनल डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट जिसको हम लोग DLED, BLED, BEd ये कहते हैं वो लिखें आप। यहाँ अपना अगर आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है तो वो निश्चित रूप से लिख दें। और इसके बाद अगर आपने नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, जो नॉन टीचिंग पोस्ट हैं वो भी हम आपको बता देंगे अभी, तो यहाँ पर मैं ट्रेनिंग आपने जो की है वो लिखें, यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस भरें। और उसके बाद अगर कोई गेम खेलते हैं तो वो लिखें, तो ये सारी चीज़ें, लेकिन अंत में ये दो लिखना ना भूलें, रेफरेंसेस, आपको कम से कम दो रेफरेंसेस के नाम बताने हैं और उनका पूरा डिजिग्नेशन और फ़ोन नंबर वगैरह आपको देना है, ताकि अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपके बारे में उनसे इंक्वायरी की जा सके। और उसके बाद फिर आपको सिग्नेचर करना है, डेट और प्लेस लिखना है। तो ये तो फॉर्म हो गया। दोस्तों, मेरा रिक्वेस्ट है कि बहुत आराम से इन चीज़ों को ध्यान से देखें, जल्दी ना करें, क्योंकि अगर आप एलिजिबल हैं, आपको सिलेक्शन आपको लेना है, तो आपको पेशेंस रखना चाहिए, पूरे एडवर्टीजमेंट को बहुत ध्यान से देखना चाहिए और उसके बाद अप्लाई करना चाहिए। अब मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ये जो फॉर्म है, ये देखिए जीरी गोयनका पब्लिक स्कूल पश्चिम बिहार की तरफ से है, ये इसका ओरिजिनल वेबसाइट है, ये एडमिशन ओपन लिखा हुआ है, हम इसको यहाँ से क्रॉस कर देते हैं। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये जीडी गोयन का पब्लिक स्कूल का ओरिजिनल वेबसाइट है, ये पश्चिम बिहार नई दिल्ली में है और यहाँ से ये वैकेंसी आई हुई है। तो अब
जिस वैकेंसी की बात हम कर रहे हैं उसे हम कहाँ देख सकते हैं, तो ये आप मेनू है यहाँ देखिए सबसे राइट हैंड कॉर्नर पे, इसको क्लिक करिए। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे और थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ आपको करियर का एक कॉलम मिलेगा। इस करियर के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हैं ये देखिए एक नया पेज खुल जाएगा जहाँ ये लिखा हुआ है करियर। अब इस करियर के नीचे क्लिक हियर टू डाउनलोड जॉब एप्लीकेशन, जो मैंने आपको दिखाया था वही वाला है, मैं फिर एक बार आपको दिखा दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको दूसरी सारी डिटेल दे देता हूँ। ये देखिए जीरी गोयनका पब्लिक स्कूल A2 पश्चिम बिहार न्यू दिल्ली 63 की तरफ से है, ये दोनों फ़ोन नंबर हैं यहाँ पर, मैं यहाँ पर ईमेल और वेबसाइट भी दिया हुआ है, ये वेबसाइट मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब एकेडमिक सेशन 2024-25 के लिए इनको स्टाफ चाहिए। एकेडमिक में कौन कौन से स्टाफ चाहिए आप देख लीजिए। सबसे पहले तो स्कूल को एक प्रिंसिपल की ज़रूरत है, एक वाइस प्रिंसिपल की ज़रूरत है। तो प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अकॉर्डिंगली आप अप्लाई कर सकते हैं। कोऑर्डिनेटर्स के लिए प्री प्राइमरी, प्राइमरी सेक्शन, मिडिल सेक्शन, सीनियर सेक्शन, इन सभी सेक्शंस के लिए इनको कोऑर्डिनेटर्स की ज़रूरत है। और उसके बाद प्री प्राइमरी और प्राइमरी सेक्शन के लिए असिस्टेंट टीचर की ज़रूरत है। TGT और PGT सभी सब्जेक्ट में TGT और PGT की ज़रूरत है। कंप्यूटर साइंस में भी, लैंग्वेजेस में भी, लैंग्वेजेस की बात करें तो फ्रेंच, संस्कृत और जर्मन में TGT और PGT की ज़रूरत है। काउंसिलर की भी ज़रूरत है, लाइब्रेरियन की भी ज़रूरत है और स्पेशल एजुकेटर की भी ज़रूरत है। तो ये सारे पोस्ट हैं प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेटर्स सभी सेक्शंस के लिए, प्राइमरी और प्री प्राइमरी के लिए असिस्टेंट टीचर की ज़रूरत है, सभी सब्जेक्ट में इंक्लूडिंग फ्रेंच, संस्कृत, जर्मन, TGT, PGT टीचर्स की ज़रूरत है, काउंसिलर, लाइब्रेरियन और स्पेशल एजुकेटर की भी आवश्यकता इनको है। ये सारे एकेडमिक स्टाफ हो गए। अब एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इनको कौन कौन से चाहिए वो आप देख लीजिए। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इनको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की ज़रूरत है, फ्रंट डेस्क और रिसेप्शनिस्ट की ज़रूरत है, कंटेंट राइटर और क्रिएटिव राइटर की ज़रूरत है और ऑफिस असिस्टेंट की भी ज़रूरत है। ऑफिस असिस्टेंट जो CBSE या एजुकेशन डिपार्टमेंट से संबंधित जो काम होते हैं उसको संभाल सके, उसके लिए ऑफिस असिस्टेंट की ज़रूरत होगी। और फिर कंप्यूटर ऑपरेटर की भी ज़रूरत है, तो कंप्यूटर ऑपरेटर भी यहाँ अपॉइंट होंगे। अगर आप एलिजिबल हैं तो निश्चित रूप से आप भरें। अब बात कर लेते हैं को क्यूरिकुलर स्टाफ की। हमने एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की बात की, अब को क्यूरिकुलर स्टाफ में किसकी ज़रूरत है ये देख लीजिए। एक्टिविटी कोऑर्डिनेटर्स की ज़रूरत है, और एक्टिविटी कोऑर्डिनेटर्स किस किस के लिए चाहिए? आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए, डांस के लिए, म्यूज़िक के लिए, योगा के लिए, फिजिकल एजुकेशन के लिए, स्केटिंग के लिए, एरोबिक्स, स्पोर्ट्स के लिए, थिएटर एंड शूटिंग रेंज टीचर। इतने सारे डिपार्टमेंट्स में एक्टिविटी कोऑर्डिनेटर की ज़रूरत है, जो बेसिकली को क्यूरिकुलर स्टाफ के तौर पर जीडी गोयन का स्कूल पश्चिम विहार में काम करेंगे। अब इन्होंने यहाँ लिखा है कि जीडी एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द स्कूल वेबसाइट। ये स्कूल का वेबसाइट है जो मैंने आपको दिखा दिया, GDGoyankaPaschimVihar.com। And duly filled and completed application forms must be mailed through courier। या तो आप courier से भेज सकते हैं, registered post से भेज सकते हैं, या फिर आप soft copy में email भी कर सकते हैं careers@gdgoyankapaschimvihar.com पर। एक खास बात इन्होंने बताई है कि कैंडिडेट मस्ट बी फ्लुएंट इन इंग्लिश विथ एक्सेलेंट कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर स्किल्स। तो आपकी कंप्यूटर और कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। तो ये वाला जॉब फॉर्म आपको दिखा देता हूँ मैं। ये जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके ऊपर ये वाला फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा और ये यहाँ से आप भर सकते हैं। एक बार जैसे ही आप इसको भरेंगे उसके बाद फिर आप वेट करें इंटरव्यू कॉल के लिए। ऑल द बेस्ट।